हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम जा रहे हैं माता जी के मंदिर दर्शन करने। आज हम आप सबको माता जी के दर्शन कराएंगे, बगला मुखी माता के दर्शन कराएंगे, साईं बाबा के दर्शन कराएंगे, हनुमान जी के दर्शन कराएंगे और शनिदेव जी के भी दर्शन कराएंगे। तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। हम जा रहे हैं सीतापुर रोड पर। तो ये देखिए, ये सीतापुर रोड से चंडिका देवी का मार्ग है, तो वहीं हम जाएंगे बगलामुखी मंदिर, बगलामुखी माता के दर्शन करेंगे। ये देखिए, हम लोग आ चुके हैं मंदिर और यहाँ पर ये हमारे भोले बाबा हैं, जिनको पशुपतिनाथ के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। सभी लोग यहाँ इनकी पूजा उपासना पशुपतिनाथ जी के नाम से करते हैं। यहाँ इनका पंचमुखी शिवलिंग है, जो कि देखने में बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और ये बहुत ही बड़ा मंदिर है, आप लोग देख सकते हैं कि कितना बड़ा मंदिर है। यहाँ पर सारे भगवान हैं, साईं बाबा भी हैं, माता जी हैं, पशुपतिनाथ जी हैं, हनुमान जी हैं, तो सभी लोग हैं यहाँ पर। आप लोग देखिए, ये हनुमान जी हैं। तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन करके जा रहे हैं। दोपहर होने की वजह से हमें यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं मिली है, बहुत ही सन्नाटा है, धूप बहुत तेज़ हो रही है। तो हम लोग दोपहर में पहुँचे हैं, तो हम लोग बहुत धीरे धीरे से दर्शन करेंगे और यहाँ पर हम लोग डांस भी करेंगे, गाना बजाना भी करेंगे, आप लोगों को पूरा दिखाएंगे। ये देखिए, हवन कुंड है, यहाँ पर हवन किया जाता है। और ये मंदिर बहुत ही बड़ी एरिया में बना हुआ है। और ये हैं बगलामुखी माता, तो हम बगलामुखी माता के भी दर्शन आप लोगों को करा देते हैं। ये देखिए, बगलामुखी माता हैं, कितनी भव्य बनी है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। और ये पुजारी जी बैठे हुए हैं, आप सब लोग इनके दर्शन करिए। नवरात्रि चल रही हैं, आप सभी लोग इनके दर्शन करें घर बैठे। ये देखिए, हमारी बहन का बेटा है, आया है माता जी के दर्शन करने। और ये कुछ बाहर का नज़ारा है, ये मंदिर बाहर से कुछ ऐसा है। देखिए, शनिदेव हैं, यहाँ पर भी पुजारी जी बैठे हुए हैं। तो ये शनिदेव का मंदिर है और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, तो दर्शन करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। बड़ी खुशी हो रही है देख के कि बड़े ही आसानी से हमें भगवान के दर्शन हो रहे हैं। देखिए, पीछे से भी बहुत बड़ा मंदिर है, ये बहुत ज़्यादा फील्ड है, यहाँ पर गाड़ियाँ भी सब अंदर ही खड़ी होती हैं। तो ये मंदिर अभी बहुत पुराना नहीं है, अभी नया बना है, 2-3 साल पहले ही ये मंदिर बना है। कुछ लोग इस मंदिर को नहीं जानते हैं और कुछ लोग जानते होंगे। ये चंडिका देवी मंदिर से पहले ही पड़ता है, 3-4 किलोमीटर पहले पड़ जाता है ये मंदिर। देखिए, साईं भगवान बैठे हुए हैं, ये साईं बाबा का मंदिर है। तो आपने देखा कि हमने सभी भगवान के दर्शन आपको करा दिए हैं। ये फील्ड है पूरा और ये मंदिर बाहर से देखने में कुछ ऐसा लगता है, बहुत सुंदर ढंग से ये मंदिर बनाया गया है। और ये गेट है, पेड़ पौधे भी यहाँ पर खूब सारे लगे हुए हैं। हमने आपको चारों तरफ से मंदिर दिखा दिया कि ये मंदिर कैसे बना हुआ है। अब हम भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करेंगे, पशुपतिनाथ जी की पूजा आराधना करेंगे, उनको जल चढ़ाएंगे। अब हम आपको थोड़ा बाहर का नज़ारा भी दिखा दें कि हम लोग पूरी फैमिली आए हुए हैं। ये देखिए, हमारी दोनों बहनें टहल रही हैं, बहनों ही हमारे टहल रहे हैं, मम्मी प्रसाद ले रही हैं। तो देखिए, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, प्रसाद की बहुत ज़्यादा दुकानें भी यहाँ पर नहीं हैं, क्योंकि ये मंदिर अभी नया है, यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर कम ही लोग आए हुए हैं। तो अब हम जाएंगे, दर्शन करेंगे, भोले बाबा की पूजा आराधना करेंगे। तो देखिए, हमने आपको शिवलिंग पंचमुखी बताई थी फ्रेंड्स, लेकिन ये पंचमुखी नहीं है। मुझे लगता है इसमें भोले बाबा के 10 या 11 मुख हैं, मैंने गिने नहीं है सही से। और सच बात तो ये है कि मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, मैंने इससे पहले इनके दर्शन नहीं किए हैं। तो आज हम आ गए हैं, तो ये शिवलिंग देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है, मैंने ऐसी शिवलिंग पहले कभी नहीं देखी। सब लोग कहते हैं कि ये पशुपति नाथ जी की मूर्ति है, तो हो सकता है पशुपतिनाथ जी ऐसे ही होते हों, क्योंकि मैंने अभी तक पशुपतिनाथ जी की कोई भी मूर्ति नहीं देखी है। तो आप सब लोग इनके दर्शन करिए, देखिए कितनी भव्य शिवलिंग है, कितनी अच्छी लग रही है देखने में।
ये शिवलिंग देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा आश्चर्य हुआ देख करके। हो सकता है आप लोगों ने ऐसी शिवलिंग देखी हो शिव जी की। अगर आप लोगों ने ऐसी शिवलिंग पहले देखी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए हम लोग पूजा आराधना करेंगे सब लोग, और बहुत अच्छे से भगवान की पूजा करने का मौका हमें मिल गया है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। इससे पहले दो चार लोग थे जो कि पूजा आराधना कर रहे थे, और अब वो लोग भी पूजा करके चले गए हैं। यहाँ पर बसपतिनाथ जी की शिवलिंग पर लोग ज़्यादातर जल ही चढ़ाते हैं। यहाँ मैंने सब लोगों को देखा था, जो भी थे यहाँ पर पूरा पूजा आराधना कर रहे थे वो सभी इनको जल ही अर्पित कर रहे थे और इनकी परिक्रमा कर रहे थे। और इधर देखिए गणेश भगवान हैं, लक्ष्मी जी हैं। इस मंदिर में भी गौरा माता, लक्ष्मी, गणेश, इनका पूरा परिवार है इस मंदिर में। नंदी महाराज भी बैठे हुए हैं, सब लोग पूजा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, कितनी भी देर पूजा करो कोई टेंशन नहीं है, जल्दी जल्दी का कोई काम नहीं है। यहाँ पर आप बड़े ही आराम से, बड़े इत्मीनान से बैठ करके पूजा कर सकते हैं। ये मंदिर मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोग कभी भी चंडिका देवी मंदिर दर्शन करने के लिए आएँ तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मंदिर, चंडिका माता रोड से थोड़ा पहले ही ये मंदिर पड़ता है, रोड से ही दिखाई देता है, मेन रोड से ये मंदिर आपको दिख जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर दर्शन करने ज़रूर आएँ एक बार। देखिए हम लोग भोले बाबा को जल चढ़ा रहे हैं। यहाँ इसी तरह के बड़े बड़े से लोटे हैं जिनसे जल चढ़ाया जाता है भोले बाबा को। ये हमारे आयुष्मान भी खड़े हुए हैं हमारे साथ, और हम दोनों लोगों ने पशुपतिनाथ जी की पूजा आराधना कर ली है। नंदी महाराज को भी हम जल अर्पित करेंगे। हम लोगों का घर से कोई प्लान नहीं था इस मंदिर में आने का, लेकिन चंडिका देवी मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से, दर्शन ना मिलने की वजह से हम लोग इस मंदिर में आए थे। और यहाँ आए तो काफ़ी अच्छा लगा, पहली बार आए हैं। अब हम लोग जब भी चंडिका माता के दर्शन करने आएंगे तो इस मंदिर में भी ज़रूर आएंगे। और अब हम थोड़ा सा भजन कीर्तन कर लेते हैं। Thank you.
की।